हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी सिंप्लीफाइड टुडे वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यूज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बुक से है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो द फर्स्ट क्वेश्चन द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर इसका आंसर सबको पता होगा गेस नाइनटीन यस हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई दया राम सानी इन 1921. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लोथल इज अ साइट वेयर आर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वे फाउंड इंडस वैली मेसोपोटामिया इजिप्शियन और पर्शियन तो ये हम सबको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में डॉकयार्ड देखने को मिला था लोथल के साइड पे सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजअली बिल्ट द हाउस ऑफ ब्रिक्स स्टोन वुड ऑल ऑफ दिस तो ये सबको पता होना चाहिए कि वो लोग जो घर बनाते थे वो ब्रिक्स से बनाते थे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर मैंने आपको कॉमन फीचर्स बताया था जो उनकी सिटीज़ की होती थी चार पॉइंट बताए थे क्या क्या चार पॉइंट था सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग सेकेंड यूज ऑफ बर्नड ब्रिक्स थर्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज एंड फोर्थ फोर्टिफाइड सिटाइडल ठीक है आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विथ अब ये बताइए ईजी है ऑप्शन ए चाइनीज बी मेसोपोटामियंस सी पार्थियांस डी रोमन्स तो पहले तो आप ये बताइए कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन हुआ करते थे इंडस वैली के टाइम पे तो ये सबको पता है मेसोपोटामिया चाइनीज और इजिप्शियन हुआ करते थे ठीक है जिसमें कि जो सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था वो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन ही था मगर जो हरप्पन्स थे वो ट्रेड किसके साथ करते थे तो मेसोपोटामिया के साथ वो ट्रेड करते थे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज नॉन आर्यस क्यों थे इट वॉज अर्बन ये तो पहले ही करेक्ट है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो अर्बन था कैसे बोल सकते हैं उनका जो टाउन प्लानिंग था और अंडरग्राउंड ड्रेनेज था इतने एडवांस था वो तो वो अर्बन थे और जबकि नॉन आर्यनस क्या थे वो बिल्कुल भी अर्बन नहीं थे वो रूरल थे है ना जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके अपने इंडिया में आए थे और फिर सेटल हो गए थे बेसिकली वो चरवाहा थे कैटल हुआ करता था उनके पास है ना तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन सिक्स ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन ये तो बात सही है आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल ये भी बात सही है कॉपर का यूज़ करते थे वो लोग सिर्फ है ना कॉपर प्लस टिन इन दोनों के हेल्प से ब्रॉन्ज बनाते थे और ब्रॉन्ज का ही यूज़ होता था इट इज़ डिफिकल्ट टू से विच रेस द पीपल बिलोंग ये भी सही बात है ओरिजिन का पता ही नहीं चल पा रहा था द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर ये रॉन्ग है क्यों क्योंकि एग्रीकल्चर ही तो उनका बेसिक पर्पस था बिजनेस क्या था उनका एग्रीकल्चर करते थे और ट्रेड करते थे ट्रेडिंग भी किसका करते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का करते थे हरअपन द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन है ना तो इस वजह से ऑप्शन डी विल भी करेक्ट आंसर चलो क्वेश्चन सेवन देखते हैं द लोकल नेम ऑफ मोहनजो दारो इज ये तो मैंने आज ही बताया था माउंट ऑफ डेड है ना तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इन टाउन प्लानिंग आर्किटेक्चर क्राफ्टमैनशिप ऑल ऑफ दिस टाउन प्लानिंग ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन एक्सकवेशन ऑफ मोहनजो दारो वॉज मेड अप ऑफ किससे बना हुआ था टेराकोटा ब्रॉन्ज क्या तो ब्रॉन्ज ही होगा क्योंकि उस समय तो कॉपर मिलता था और कॉपर और टिन के हेल्प से वो लोग ब्रॉन्ज बना लिया करते थे तो ऑप्शन सी विल भी करेक्ट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो मैंने आपको बताया था कि वो अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि चार ऑप्शन दे देगा और जो नॉट नोन है उसको हम लोग को फाइंड आउट करना होता है तो देखिए ऑप्शन ए बुल बी हॉर्स सी एलिफेंट डी जिराफ तो बुल हॉर्स एलिफेंट तो थे जिराफ नहीं था तो आउट वन आउट हो जाएगा जिराफ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर एलेवेंथ आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेंस एक्सकवेटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब यहाँ बात हो रही है कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो ए बी सी ऑप्शन तो वो छोटे छोटे चीज़ है हाउस बड़ा चीज़ होता है और इतना वेल well डेवलप था उनका पूरा सिस्टम तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हाउस से ही पता चलेगा है ना तो ऑप्शन डी विल भी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज यस ये आंसर आप लोगों को शायद नहीं पता हो इसका आंसर होगा बी रंगपुर है ना चलिए आप मेरे को ये बताइए कि इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी थी ऐसे तो जो सबसे बड़ी साइट थी द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज मोहनजदारो बट इंडिया में कौन सी थी तो राखी गिरी थी है न चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंगेक्ट आंसर विच वन ऑफ दिगार्डिंग करेक्ट अब देखो कौन सा करेक्ट है दरपन सील्स मेडअप ऑफ क्ले नहीं सील्स क्ले के तो नहीं बने होते थे है ना ब्रॉन्ज का बना हुआ होता था द इनहेबिटेड इनहेबिटेंट ऑफ हरप्पा नॉलेज ऑफ कॉपर नॉट ब्रॉन्च ये तो बहुत ही गलत है है ना ऑप्शन सी क्या है द हरप्पा सिविलाइजेशन वॉज रूरल बेस्ड ये भी रॉन्ग है तो सही क्या हुआ द इनहेबिटेंट्स ऑफ हरप्पा ग्रू एंड यूज कॉटन ये सही है बिल्कुल तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फिफ्टीन द एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हरप्पा टाइम्स हैज़ बीन अन एट तो इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए ढोलावीरा होगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ढोलावीरा में क्या किस चीज़ का एविडेंस मिला था तो मैंने बताया था ढोलावीरा में यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला था इरिगेशन बेसिकली ढोलावीरा में ही मिला है देखने को तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर सिक्सटीन नंबर फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल हाउसेस बिलोंगिंग टू डेवलप्ड स्टेट स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अब ये देखो रिमेन्स ऑफ वेल कहाँ देखने को मिला तो ये सबको पता है मोहनजोदारो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर सेवनटीन नंबर द आर्क्योलॉजिकल फाइंड्स ऑफ आलमगीरपुर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड हरप्पन कल्चर वैदिक मौर्य कल्चर गुप्ता हरप्पन कल्चर ही होगा इसका आंसर ये तो सबको पता होगा इजी है बहुत एटीनथ नंबर कॉटन फॉर टेक्सटाइल वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इजिप्ट इजिप्ट मेसोपोटामिया सेंट्रल अमेरिका इंडिया ऑब्वियसली इंडिया होगा हरप्पन् फर्स्ट टू ग्रो कॉटन नाइनटीन रॉक कट आर्किटेक्चर इन हरप्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन फाउंड एट रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ मिला है तो ये मिला आपका ढोला वीर में, है ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ट्वेंटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्राम कोर्ट्स गिवेन बिलो ठीक है मोहनजोदारो हरप्पा रोपर एंड काली बंगन आर इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ये तो सही बात है हरप्पन पीपल डेवलप प्लान सिटीज़ विथ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम सही so, है ऑप्शन थ्री हरप्पन पीपल डिड नॉट न्यू द यूज़ ऑफ मेटल ये तो गलत है कॉपर का यूज़ वही करते थे ब्रॉन्ज का यूज़ वही करते थे है ना टिन का यूज़ करते थे तो ऑप्शन वन और टू यानी कि ए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ट्वेंटी वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन टू कंस्ट्रक्शन 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 ऑफ 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 वेल पिलर्स ड्रेन्स एंड आर्क्स वेल्स बनाते थे पिलर्स पिलर्स के सपोर्ट से घर बनता था ड्रेन ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर आर्क्स है ना क्वेश्चन ट्वेंटी टू द कॉपर चैरियट ऑफ हरप्पा टाइम्स वॉज डिस्कवर्ड एट कॉपर चैरियट कहाँ देखने को मिला था तो इसका आंसर क्या होगा दैमाबाद और दैमाबाद कहाँ होता था तो ये सर्दर्न मोस्ट पार्ट हुआ करता था जो कि महाराष्ट्र का पार्ट होता था ऑप्शन सी विल भी करेक्ट आंसर क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फाउंड तो बुल सील कहाँ मिला था ये ईजी है ये हरप्पा में मिला था ये सबको पता होगा ऑप्शन ए क्वेश्चन ट्वेंटी फोर हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई दया राम सानी इन नाइनटीन ट्वेंटी वन ये सबको पता होना चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रजेंटेड ऑन द सील एंड टेरिकोटा आर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर ऑप्शन ए काऊ ऑप्शन बी एलिफेंट आगे का ऑप्शन देखने का जरूरत है क्या नहीं क्यों क्योंकि काऊ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि काऊ वॉज नॉट नोन काउ एंड लायन ये हरप्पन् नहीं जानते थे ठीक so, है सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स ये मैच मैच द फॉलोइंग लोथल ये डॉकयार्ड हुआ करता था है न काली बंगा यहाँ पे एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड मिला था ढोलावीरा ढोलावीरा में इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग टेन लार्ज साइज साइन ऑफ रप्पन स्क्रिप्ट मिला था यहाँ पे बानावाली में टेरा कोटा रिप्लिका ऑफ प्लॉ मिला था तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन बी ओके लास्ट क्वेश्चन है ये ट्वेंटी सेवन्थ नंबर इन द मेसोपोटामियन सोपोटामियन रिकॉर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज़ यूज्ड फॉर इंडस वैली कौन सा टर्म यूज हुआ तो शायद ये नहीं पता होगा आप लोग को तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मेलुआ ठीक है सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एम सी क्यूज ऑफ दिस टॉपिक अगर ये वीडियो आपको फास्ट लग रहा है तो आप बीच में पॉज कर करके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का कोशिश कीजिएगा और अपने आप को जज कीजिए कि आप कितना स्कोर करते हैं और अपने स्कोर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ठीक है दैट्स ऑल इन टूडेज़ वीडियो मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ I hope you enjoyed watching the video if you want to recommend anything please do it in comment box thank you